हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। और आज अपन पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी के संबंध में। पहला जो रहेगा दोस्तों, इसका जो पार्ट रहेगा वो रहेगा जावा स्क्रिप्ट का। तो हम पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे एम की क्वेश्चन। तो चलिए हम देर ना करते हुए पढ़ लेते, तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए पहले पहला दोस्तों क्या रहने वाला है कि आपका जो जावा स्क्रिप्ट है दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखें आप लोग। दूसरा दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट प्रिंट आपका जो रहेगा वो डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए आप प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? डायनामिक वेब पेज बनते हैं आपके जावा स्क्रिप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट का विकास नेटस्केप कम्युनिकेशन नामक कंपनी के ब्रांडन ईच, कौन थे? ब्रांडन ईच ने कब किया था? 1995 में, केवल 10 दिनों में दोस्तों यहाँ पर बनाया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से। अब आ जाते हैं कि भाई ECMA का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए आपके सामने लिखा है ECMA का फुल फॉर्म, और आपका ये फुल फॉर्म यहाँ पर रहने वाला है ECMA का, ठीक है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखोगे आपका, यहाँ पर देखिए जावा स्क्रिप्ट के तीन रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं जावा स्क्रिप्ट के? देखिए पहला रहेगा कोर जावा स्क्रिप्ट, दूसरा क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट, तीसरा रहेगा सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट। ये आपके तीन रूप यहाँ पे इसके रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका रहने वाला है, देखिए यहाँ पे कि जावा, जब ये जावा स्क्रिप्ट आई थी उस समय इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट पहले इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट तथा बाद में इसका नाम जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट आपका, जावा और जावा स्क्रिप्ट दोस्तों दोनों अलग अलग हैं। ये जावा अलग है और जावा स्क्रिप्ट अलग ही आपकी लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसके बाद जावा एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जबकि आपकी जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। आप लोग समझ लो यहाँ पर दोनों में अंतर। नेक्स्ट है, जावा स्क्रिप्ट को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन किया जा सकता है, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप डॉस पे चला सकते हो या आपका विंडो पे चला सकते हो, ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट है, जावा स्क्रिप्ट में किसी भी वेब ब्राउजर को यहाँ पर रन कर सकते हैं, यानी जो आपका जावा स्क्रिप्ट होती है वो आपका गूगल पे भी, मोजिला पे भी, किसी भी वेब ब्राउजर पर दोस्तों यहाँ पर ये चल सकती है, रन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। टेक्स्ट एडिटर मतलब आपका हो गया दोस्तों यहाँ से आपका वर्ड, ठीक है ना, वर्ड होता है, ठीक है ना, उसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर में, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ, आपका जैसे वर्ड पेड हो गया, नोट पेड हो गया, नोट पेड में हम लिख सकते हैं, नोट पेड ये दोस्तों आपका एक टेक्स्ट एडिटर होता है। नेक्स्ट है, जावा स्क्रिप्ट को दिखाने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है, मैंने बता दिया। जावा स्क्रिप्ट में यह टैग यूज होता है, कौन सा टैग यूज होता है दोस्तों? ये वाला होता है आपका लेस देन स्क्रिप्ट, ठीक है, और यहाँ पे जो भी लिखाएगा वो लिखेंगे, और स्क्रिप्ट दोस्तों आपका बंद, ठीक है ना। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को HTML में तीन जगह से जोड़ा जाता है, कैसे? देखिए दोस्तों, जो जावा स्क्रिप्ट होती है उसको हम बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, हेड के अंदर लिख सकते हैं, और दोस्तों एक्सटर्नल भी हम वहाँ पर उसको लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट को। नेक्स्ट है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल को सेव करने के लिए किससे करते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम जावा स्क्रिप्ट की फाइल जब भी हम सेव करेंगे तो .js लगाएंगे, तब जाकर दोस्तों वो जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पर सेव होगी। नेक्स्ट है, जावा स्क्रिप्ट में दो कमेंट होती हैं, एक होती है आपकी सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, क्या होती है? सिंगल लाइन कमेंट, और दोस्तों दूसरी होती है मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन में हमने ये लगा दिया स्लैश स्लैश, और यहाँ पर कुछ बल्ड जो भी हमने लिखते हैं मैटर वो लिख दिया, ठीक है, तो वो कमेंट आ जाती है। मल्टी लाइन में पहले हमको ये लगाना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार, फिर हम लिखेंगे कम बर्ड, फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट, ये हमको लगाना पड़ेगा, तब बोलती मल्टी लाइन। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जावास्क्रिप्ट के कितने कमेंट होते हैं, तो सिंगल कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट आपके यहाँ पर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं MQ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि जावास्क्रिप्ट कोड को किसके द्वारा कॉल किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपका जो जावास्क्रिप्ट होता है वो फंक्शन या मेथड के द्वारा दोस्तों आप उसको कॉल यहाँ पे किया जाता है आपके जावास्क्रिप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर बताता है एक फंक्शन की, फंक्शन जिसकी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती उसे क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, उसे आपका क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है प्रोड्यूसर। क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर। एक फंक्शन की, यानी जो प्रोड्यूसर फंक्शन होता है जिसकी कोई भी दोस्तों रिटर्न वैल्यू यहाँ पर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर जाते हैं, निम्नलिखित में से HTML एलिमेंट में, किस एलिमेंट में जावास्क्रिप्ट कोड को लिखा जाता है? देखिए ये आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो कोड है वो स्क्रिप्ट में दोस्तों लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? स्क्रिप्ट लगाते हैं और स्क्रिप्ट को ही बंद करते हैं, इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आओ, नीचे दिए गए HTML कंटेंट को चेंज करने का सही सिंटेक्स क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि आपको सेंटेंस देखोगे तो आपका कौन सा रहने वाला है, इसका ये लगेगा दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बॉटिक ना आपका BYIED, ठीक है ना, और यंग ये लगेगा आपका इसको चेंज करने का यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टर्नरी ऑपरेटर है? तो देखिए आपको जो रहेगा फोर्थ वाला, यानी क्वेश्चन मार्क,
आपका दोस्त तो होता है टर्नरी ऑपरेटर ही आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट को लिखने की सही जगह क्या है। देखिए दोस्तों, जो जावास्क्रिप्ट दोस्तों आपको मैंने बताया था, बॉडी और हेड दोनों दोस्तों यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं माना जाता। देखिए जावास्क्रिप्ट में आपका दोस्तों जो डिवीजन वो जीरो होता है, इसको दोस्तों एरर यहाँ पर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है। तो देखो आपको मैंने बताया था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड आपकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, वेर आपका और फंक्शन क्या है। देखिए दोस्तों बता दूं मैं, आपका जो वेर और फंक्शन ये दोस्तों डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को स्क्रिप्ट टैग का यूज करना आवश्यक होता है। तो बिल्कुल दोस्तों असत होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका उपयोग यहाँ पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलर्ट बॉक्स में हेलो वर्ड कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों आपको अलर्ट बॉक्स लिखना है, मान लो कि जब कोई क्लिक करे तो आपको अलर्ट करे, तो आपको उसके लिखने के लिए दोस्तों ये रहेगा अलर्ट और कोस्टा के अंदर दोस्तों हेलो वर्ड, जिसमें आपके डबल इनवर्टेड कॉमा लगेंगे दोनों में, ठीक है, यहाँ पर वर्ड के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए फंक्शन के लिए आपको लगाना पड़ेगा फंक्शन, माय फंक्शन और यहाँ पे आपका ये चिन्ह, ठीक है ना, आपका कोष्टक का ओपन वन। नेक्स्ट है, आप माय फंक्शन कोष्टक ओपन वन के नाम के फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। तो देखिए इसको सही तरीका है माय फंक्शन और आपका इस तरह का ये कोष्टक, ठीक है ना, मंजिला कोष्टक बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट कैसी भाषा है। आपको पता है जावास्क्रिप्ट दोस्तों एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, जावास्क्रिप्ट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो देखिए आपकी जावास्क्रिप्ट ब्राउजर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि चलती है ब्राउजर पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हम किस कीवर्ड के द्वारा जावास्क्रिप्ट सभी जावास्क्रिप्ट के सही प्रकार के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए बेयर जो होता है कीवर्ड दोस्तों, उसके द्वारा हम जावास्क्रिप्ट के सभी कीवर्ड को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, असाइनमेंट ऑपरेटर किस प्रकार का ऑपरेटर है। देखिए आपको जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेटर। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए जाता है। देखिए ये जो आपका प्लस चिन्ह है, इसका उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसका जो था सही तरीका इफ का, तो इफ कोष्टक के अंदर एक्स इक्वल टू फाइव कोष्टक बंद ये लिखा जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक्स एक्स कॉमा पाँच के बराबर नहीं है तो इसके लिए इफ स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो देखिए इफ इसके लिए जो लिखा जाएगा वो दोस्तों ये रहेगा इफ यहाँ पे आपका एक्स, ठीक है, और इक्वल टू फाइव, ठीक है, और यहाँ पे आप फुल स्टॉप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके।